तो गाइस आज हमने बनाया है किचन में वेज पोहा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल भर के हम पोहा ले लेंगे और पोहा को हमें एक बार अच्छे से धो के उसका पानी निकाल देना है, साइड में रख दिया है। एक चमचा ऑयल ऐड करके मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक चम्मच मस्टर्ड सीड्स ऐड किए हैं, इन्हें चटकने तक भून लेना है। 6 से 7 कड़ी पत्ते, 3 से 4 यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्च, इसे सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। उसके बाद एक कटा हुआ ऑनियन ऐड किया है, इसे हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे। फिर यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और हमें वेजिटेबल्स को 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सॉफ्ट करने तक इन्हें पका लेना है। फिर यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच में काला मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और 2 चॉप किए हुए टमाटर ऐड किए हैं, इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। और अब यहाँ पर 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर, इसे भी थोड़ा सा हम 1/2 से 1 मिनट भून लेंगे। उसके बाद ऊपर से पोहा ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी यहाँ पर हमें गैस बंद कर देनी है और पोहा को अच्छे से मिला लेना है। ऊपर से रोस्टेड मूंगफली ऐड करेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।